आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे गाइस कि 2023 के अंदर ज्यादा इमिग्रेंट्स कनाडा छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जो इमिग्रेंट्स 2020 में आए थे, 2021 में आए थे, 2022 में आए थे, वो किस बात के लिए कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स मैंने बुक में लिख रखे हैं। ठीक है, पिछले 15-20 डेज से मैं रिसर्च कर रहा था, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से इंटरनेट पे देख रहा हूँ, बंदे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं अलग अलग यूट्यूबर्स कि लोग कनाडा छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्या रीजंस है। तो ये जो रीजंस मैंने लगे, ये मुझे लगा कि ये रीजंस के वजह से बंदे छोड़ के जा रहे हैं, और ये जो रीजंस है ये इंटरनेट के ऊपर मैंने रिसर्च करने के बाद निकाले हुए हैं, और आजू बाजू में जो एक्सपीरियंसेस देखे मैंने लोगों के, उस बेसिस पे लिखा हुआ है। सो वीडियो पूरी देखना, आप लोग को एक हद तक आइडिया मिलेगा कि क्या आप लोग अगर आ भी रहे हो तो इनमें तो कहीं फॉल नहीं करते ना। अगर करते हो तो दो बार सोच लेना, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो पूरी एक बार देखो, अच्छे से सोचो बैठ के, और फिर डिसाइड करना कि क्या इज इट वर्थ कमिंग या नहीं। सो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कर दिया करो, अच्छा लग रहा है, चीज़ पीछे ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैं टच करूंगा आज के वीडियो के अंदर, वो है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जो हम अपने फ्रेंड्स से बात करके बनाते हैं, जो अपने रिलेटिव्स को 10-20 साल से जो रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं उनको देख के बनाते हैं, या फिर इंटरनेट के ऊपर चीज़ें देख देख के एक्सपेक्टेशंस जो खड़ी होती है ना, वो एक्सपेक्टेशन के बेसिस के ऊपर हम लोग डिसीजन लेते हैं, एंड देन वी प्लान टू मूव फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। क्या ये सही है? मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर इसके बारे में बात करी है कि एक्सपेक्टेशन प्लीज़ आप निल से निल रखें, बिकॉज आपने जो सोचा है ज़रूरी नहीं है वो चीज़ यहाँ पे आने के बाद होगी। बहुतों के साथ नहीं होता है, ये मैंने खुद देखा है, मैं देखता आया हूँ, एवरी सिंगल डे देखता हूँ। लोग यहाँ पे इतने परेशान घूम रहे हैं ना, बच्चे जो नए नए आए, सोचा क्या था, फिर यहाँ पे आने के बाद चीज़ें नहीं हो रही है उस हिसाब से, तो परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो ये एक्सपेक्टेशन जो आप बना रहे हो ना, कहाँ से बना रहे हो पहले तो ये देखो, और वो एक्सपेक्टेशन क्या है, सबके साथ होती है? अगर सबके साथ हो रहा है तो फिर बात अलग है, अगर सबके साथ नहीं हो रहा है, कुछ चंद लोगों के साथ हुआ है, तो वो शायद आपने गलत एक्सपेक्टेशंस खड़ी कर ली है। सो एक्सपेक्टेशन बनाने से पहले भी आप लोग देख ले कि कौन सी एक्सपेक्टेशन बना रहे हो आप लोग, और वो कहाँ से आई है। प्लीज़ मेक श्योर आप लोग यूट्यूब पे मेरे या किसी के भी वीडियोस देख के एक्सपेक्टेशन ना बनाएं, इंस्टाग्राम पे चीज़ें देख के एक्सपेक्टेशंस ना बनाएं। ठीक है, बिकॉज कमेंट सेक्शन भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आइडिया लग जाता है बंदे क्या लिख रहे हैं, उनका दिमाग ही कहीं और ही चल रहा है, मतलब पता नहीं अनरियलिस्टिक चीज़ें सोचे जा रहे हैं, वो होगा नहीं होगा, उसका प्रपोर्शन पॉइंट परसेंटेज में है। ठीक है, एक बंदा मुझे पूछ रहा था, भाई मैं एक साल के अंदर यहाँ पे आऊंगा और एक साल के अंदर शायद मैं घर तो ले ही लूंगा। अच्छा, एक साल के अंदर बंदे घर खरीद ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब आपको लग रहा है ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वहां से इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे, वो एक साल के अंदर अंदर अपने खुद के यहाँ पे लाखों डॉलरों के घर खरीद ले रहे हैं? सोचे बैठ के थोड़ी देर। ठीक है, कुछ भी फालतू की चीजें दिमाग में ना लाए, वरना यहाँ पे आने के बाद आप तो परेशान होंगे होंगे, जिन लोगों ने, जो पेरेंट्स ने पैसा भेजा होगा आप लोगों को यहाँ पे भेजने के लिए, वो भी इंडिया में बैठ के परेशान होंगे। सो मेक श्योर आप अपने लिए नहीं, अपने आजू बाजू में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में भी सोच के यहाँ पे आए। ठीक है, क्योंकि फालतू में सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आप। सो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आप लोग डिसीजन ले रहे हो सो बिल्कुल ही निल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हेल्थ इश्यूज। आपको किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज है, जब आप यहाँ इंडिया में भी है आप लोगों को, नो डाउट, जब मेडिकल रिपोर्ट कराते हो तो ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज आप लोगों को पता लगेंगे। अगर इंडिया में आप रह रहे हो और आपको कुछ तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम्स है, एंड वो यहाँ पे आने के बाद भी आपको लाइक इट इज़ कंटिन्यूइंग, सो मेरे हिसाब से वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यार, बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ के साथ यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको आपके काम करने हैं, आपको जॉब करनी है, आपको घर देखना है, आपको पढ़ाई देखनी है, सब कुछ करना है, और साथ में आपको हेल्थ इश्यूज़ अगर रहेगा तो वो एक और प्रॉब्लम हो जाएगा ऑन टॉप ऑफ दैट। सो अगर आपको इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम है तो मेक श्योर आप लोग दो बार, तीन बार, चार बार सोचें यहाँ पे आने से पहले। ठीक है, बिकॉज इंडिया के अंदर तो आपके पेरेंट्स हैं जो आपका ध्यान रखेंगे, खाना मिलेगा आपको, ठीक है, और रिलेटिव्स भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है यार इंडिया के अंदर, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो वो बीमारियों के साथ आप यहाँ पे आएंगे, कुछ भी अगर कोई भी तरीके का आपको बॉडी के अंदर डिसेबिलिटी है, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है, एंड यू आर प्लानिंग टू मूव टू कैनेडा, और सोच रहे हो कि कोई बात नहीं यार, वी विल डू इट समवे और दी अदर, हम कर लेंगे, वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके यहाँ पे आओगे और वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वहीं रख के लॉस करके इंडिया वापस जाना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप लोग ऐसे जो भी टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ, ये टॉपिक्स के अंदर अगर फॉल करते हो तो दो बार सोच लो, और अगर मेंटली रेडी हो तभी यहाँ पे आना, वरना मत आना, बिकॉज मैं कोई भी तरीके का फालतू एक्सपेक्टेशन अपने वीडियोस में दिखाता ही नहीं हूँ। जो है, जो नहीं है, वो क्लियरली आप लोगों को पता लगना चाहिए मेरे वीडियोज़ के थ्रू, यही मोटिव है मेरा वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन, हेल्थ इश्यूज़, मेक श्योर ये दो में फॉल नहीं करते हो। ठीक है, और अगर हेल्थ इश्यूज में फॉल भी करते हो, एंड यू नो कि प्रैक्टिकली आप अकेले इंडिया में इसको सॉल्व करते आए हो, अकेले इंडिया के अंदर आप सब कुछ हैंडल करते आए हो, तो फिर यहाँ पे आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेक श्योर कि आप लोग मेंटली रेडी रहो यहाँ पे आने से पहले, अगर ये कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हो।
उसके बाद गाइज जो है वो हाउस प्राइजेस के बारे में बात करूंगा मैं। ये भी सबको पता है कि हाउस प्राइजेस यहाँ पे स्काई रॉकेट हो गए हैं। ये खाली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब पास आउट होकर बाहर निकलते हैं, वर्क परमिट के अंदर आते हैं और एक दो साल के बाद जब वो घर खरीदने का सोचते हैं, ये उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बिकॉज हाउस प्राइजेस का अगर आप देखने जाओगे, या फिर कोई बंदा इंडिया में एक अच्छे पोजीशन पे था और यहाँ पे कनाडा मूव कर रहा है और वो यहाँ पे आने के बाद एक घर खरीदने के बारे में सोच रहा है, तो ये उसको भी टारगेट करते हैं। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये खाली इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स को नहीं, ये उन लोगों को टारगेट करते हैं, ये सब बेसिकली सब लोगों को टारगेट करते हैं जो भी इंडिया से कनाडा आ रहे हैं। उनको इंडिया के अंदर 10-15 साल का एक्सपीरियंस था, फिर वो कनाडा मूव कर रहे हैं या फिर वो नए नए फ्रेश कनाडा आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखें, आपको काफी हद तक क्लियर होगी चीजें। हाउस प्राइजेस अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो कि मैं कनाडा आने के बाद घर खरीद लूंगा लाइक विद इन वन ईयर, नो चांस। बिकॉज यहाँ पे भाई आप देखोगे ना इन्फ्लेशन के प्राइजेस, मतलब हर चीज के प्राइस इतने ज्यादा स्काई रॉकेट कर गए और घर के प्राइस तो सबसे ज्यादा बूम पे है, ठीक है, 2021, 2022, 2023 के हिसाब से देखने जाओगे। सो बहुत मुश्किल हो रखा है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे 10-15 साल से रहे ना, वो भी 2-3 बार सोच रहे हैं कि मैं घर खरीदूं कि नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई जा चुके हैं, हर चीज का प्राइस इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो दो बार सोच लेना घर खरीद लेने से पहले, या फिर इंडिया में बैठे हो यहाँ पे आके घर खरीदने का सोच रहे हो तो दो बार सोच लेना। इंटरनेट पे सर्च करो, प्राइसेस देखो, लोगों से बात करो, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं यहाँ पे उनसे बात करो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या सीन चल रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज। अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है हमारा, पीपल आर नॉट गेटिंग रेडी टू स्टार्ट ओवर, मतलब स्क्रैच से शुरू करना सब नहीं कर पाते, ठीक है। अब जो जिनका इंडिया में कुछ नहीं है, हर तरीके से पिसे हुए हैं, वो लोग यहाँ पे आके अगर स्क्रैच से शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको पता ही है मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, मुझे जीरो से ही शुरू करना है। बट जो लोग इंडिया में एक अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एमएनसीज के मैनेजर्स है जिनके अंडर 1,000-2,000 लोग काम कर रहे हैं, उनको भी मैंने देखा है यहाँ पे फैक्ट्री शिफ्ट्स लगाते हुए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो फैक्ट्री में जाता हूँ, मैं वहाँ पे एक बंदे को मिला था, 9 साल का एक्सपीरियंस है उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, अच्छा खासा पैकेज छोड़ के बंदा कनाडा आया है और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ग्रेडर का काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। ग्रेडर का मतलब होता है कि जो खराब चीज़ें होती हैं उनको साइड करना, अच्छी चीज़ें होती हैं उनको बाजू में रखना, ठीक है। ये काम कर रहा है वो बंदा यहाँ पे आने के बाद, वो खुद परेशान था, ठीक है, वो बोल रहा था कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। ये इसीलिए हो रहा है ना भाई, बिकॉज जब आप इंडिया में एक्सपीरियंस लेके आते हो 9-10 साल का और कनाडा में जब आप आते हो, यही एक्सपेक्टेशन आता हो कि यहाँ पे मेरी जॉब लगेगी लाखों डॉलर की, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कनाडा गवर्नमेंट या कनाडा जो भी यहाँ पे कंपनीज है कनाडा में, वो सारी कंपनीज आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगी, आपको कनाडा के अंदर कितना एक्सपीरियंस है। इंडिया के अंदर भले आपको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, जब आप यहाँ पे आओगे आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कनाडा के अंदर क्या किया हुआ है, इंडिया के अंदर क्या किया है वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, यहाँ पे क्या किया है वो आप बताएं, बिकॉज जो यहाँ पे करोगे ना वो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से होगा, और इंडिया में जो किया है, इंडिया का क्लाइमेट स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ का अलग है। सो मेक श्योर अगर आप लोग उस लेवल पे हो, मतलब अच्छा खासा आपका पैकेज है इंडिया के अंदर और फिर आप सोच रहे हो कि मैं कनाडा मूव हो जाऊँ, तो दो बार सोचना भाई, यहाँ पे आने के बाद स्क्रैच में शुरू भी कर सकते हो, कर सकते हो क्या हो, 99% लोगों को स्क्रैच शुरू करना ही पड़ेगा। बहुत ही कम रेयर ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया में कुछ लेवल पोजीशंस पे होते हैं और वो कंपनीज ने यहाँ पे उनको भेजा होता है। सो जब ऐसे आप वाया वाया आते हो तो चांसेस है कि शायद आपको यहाँ पे भी उस लेवल का पैकेज मिल रखे, बट 99% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उनको ऐसे ही भेज दिया जाता है यहाँ पे और स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है आप लोगों को, जो 99% लोग नहीं कर पाते, और देन एंड में वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं यार हम इंडिया में ही ठीक थे, यहाँ पे इतना फालतू में जीरो से शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो मेक श्योर गाइज आप ध्यान रखिए ये सब चीजों का। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट वाला टॉपिक, हेल्थ केयर। सब मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आई बटन में दे दूंगा, ज्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा मैं हेल्थ केयर के बारे में, ये वीडियो में मैंने हर चीज के बारे में बात कर रखी है, ठीक है, कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम किस तरीके का है, छोटे से छोटे एक सर्जरी करनी है उसके लिए आप लोगों को कितना टाइम लगता है, कितना पैसा देना पड़ता है, हर चीज के ऊपर मैंने ये वाली वीडियो के अंदर बात करी है। सो मेक श्योर आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार चेक कर लेना, या तो आई बटन में भी वीडियो पॉप होता हुआ दिखेगा आपको, वहां पे प्रेस करके भी वीडियो देख सकते हो। सो हेल्थ केयर से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे सारा कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो हेल्थ केयर सिस्टम गाइज यहाँ का बहुत खराब है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे 15-20 साल से रह रहे हैं, अगर उनको कोई सर्जरी करानी है ना, वो लोग इंडिया जाके या दूसरे कोई कंट्री जाके सर्जरी कराते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि हम कनाडा के अंदर ना कराएं। क्यों ना कराएं वो आप लोगों को मेरे वीडियो के अंदर पता लग जाएगा, एक बार जरूर चेक कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है गाइज वो मैं बात करूंगा फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, ठीक है। बिकॉज इंडिया में क्या है ना गाइज, जब आप लोग कोई चीज़ कमा रहे हो या आपके पैकेजेस अच्छे लगे हैं, तो क्या है, गाड़ी का जो इंश्योरेंस आ रहा है वो भी कम है, घर का रेंट जो है वो भी कंपेरेटिवली कम है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ग्रोसरी प्राइसेस ले लो आप, नॉर्मल डे टू डे जो खर्चे होते हैं ना वो भी बहुत कम होते हैं, बट यहाँ पे आप जैसे आते हो ना खर्चे बढ़ जाते हैं,
ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं कि जो बंदा इंडिया में एक अच्छे खासे लेवल पर बैठा हुआ था वो यहाँ पे आप एकदम ऐसे सामान्य कोई भी छोटे से घर में रहेगा, लोगों के साथ शेयरिंग में रहने लग जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो उस तरीके की लाइफ स्टाइल को अडेप्ट नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी। तो वो क्या करेगा, खुद का एक अपार्टमेंट लेगा यहाँ पे, गाड़ी ले लेगा यहाँ पे आते ही, और जैसी तैसी गाड़ी नहीं, एक नई गाड़ी लेगा आते ही, या सेकेंड हैंड भी गाड़ी ले लो, सेकेंड हैंड भी अच्छी खासी गाड़ी लेगा। जो गाइज बहुत ज़्यादा प्राइस लगेगा आप लोगों को, ये गाड़ी जब आप खरीदने जाओगे इनके इंश्योरेंस इतने ज़्यादा रहते हैं, इनके खर्चे भी इतने ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज गाड़ी का एवरी मंथ आप लोग ऑयल चेंज कराना है, टायर का भी देखना पड़ता है, बिकॉज विंटर का भी मैंने हमेशा कहा है कि विंटर के लिए आप लोगों को विंटर टायर्स और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है, विंटर के लिए आप लोगों को अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं होती, इंडिया में क्लाइमेट इतना ज़्यादा हार्श भी नहीं हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस नॉर्मल चलते रहते हैं। सो इसके वजह से भी फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती है। सो मेक श्योर कि अगर आप आ रहे हो तो ये जो फैक्टर्स मैंने बताए ये सारे दिमाग में रखते हो। मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ वीडियो के द्वारा, बिकॉज मैंने अभी तक जो भी बताया वो सारे आपको टेंशंस देने वाले टॉपिक्स है। आई नो दैट, मैं सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ, मैं टेंशन में किसी को भी लाना नहीं चाहता हूँ। आप यहाँ पे आ रहे हो अपना पैसा लगा के, तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो अगर देख भी रहे हो तो आपको इतना अलर्टनेस रहे कि ये सब होगा, एंड यू आर रेडी कि ये सब होने वाला है। मैं अगर रेडी हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं रेडी नहीं हूँ तो जो भी मैंने किया है अभी तक वो सारा मैं वापस ले लूँ, एंड मैं अपना इंडिया में ही जो लेवल पे बैठा हूँ, जो पोजीशन पे बैठा हूँ, वहाँ से ग्रो करने का सोचूँ। सो मेक श्योर जो चीज़ें कवर कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ आ रही हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा होम सिकनेस, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है होम सिकनेस। यहाँ पे अभी रिसेंटली जैन इंटेक में बंदे आए हुए, ठीक है, अभी जनवरी स्टार्ट हुआ तो दिसंबर में बंदे आए थे, मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आए हुए हैं, मेरे घर में भी एक दो लोग आए हुए जो नए नए हैं, इनको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। कुछ सोचा भाई लोगों ने अलग ही था, सोचा था कि यहाँ पे आने के बाद खाना वाना हो जाएगा, क्योंकि यार देखो हर चीज़ हमारे दिमाग में नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि मैं जब आया था मेरे दिमाग में भी ये सब नहीं था। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब यहाँ पे आया था ना, मेरे को लग रहा था मैकडोनल्ड्स में जाऊँगा और मैं इंडिया में ना मैक महाराजा खाता था, ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं मैक महाराजा खाऊंगा, अगर मुझे कुछ नहीं होना तो $4-5 का मैक महाराजा खा लूंगा और सर्वाइव कर लूंगा, अगर खाना बनाना तो मुझे भी नहीं आता जब मैं आया था। तो मैंने इस तरीके की एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में क्रिएट कर लिए थे। जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ तब पता लगा कि मैकडोनल्ड्स में वेज ही नहीं मिलता। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स की जितने भी फ्रेंचाइजीज है, जितने भी आउटलेट्स ओपन है, यहाँ पे वेज मिलता ही नहीं है आपको, मैकडोनल्ड्स में वेज नाम की चीज ही नहीं है। ये मेरे को झटका लगा, पहला झटका था, ये मेरा सबसे फर्स्ट झटका, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो पहला झटका मुझे लगा था वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आपके शायद कुछ अलग अलग तरीके के झटके हो सकते हैं, बट मेरा ये वाला पहला शॉकिंग फैक्ट था कि यहाँ पे वेज नहीं मिलता बाहर, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग खाता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाता। सो इस तरीके का शॉक लगा था मुझे, बिकॉज यहाँ पे मीट, फिश, प्रॉन्स, पोर्क, ये सब तो नॉर्मल ही है, यहाँ पे बंदे ऐसे ही चलते फिरते खा लेते हैं, ठीक है। और हमारे लिए जो इंडिया से आते हैं वो लोगों के लिए ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि सब नहीं खा पाते, सब कुछ लोग खा भी लेते हैं बट कुछ लोग नहीं खा पाते। सो मेक श्योर आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। हम लोग होम सिकनेस पे थे, होम सिकनेस पे वापस आता हूँ मैं, बट ये एक फैक्टर था जो मुझे लगा बताना चाहिए। अब होम सिकनेस अलग अलग तरीके की रहती है, ऐसा नहीं है खाली आपको घर की याद आएगी, घर के साथ जो चीज़ें कनेक्टेड रहती है ना वो सारी चीज़ों की याद आने लग जाएगी। घर पे आपके माँ बाप आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई कर देते थे, खाना मिल जाता था, कपड़े धोए हो जाते थे, ठीक है, कुछ छोटा मोटा काम होता था तो पापा को बोल देते थे पापा ये कर लो, बुक लानी होती थी पापा बुक लेके आ जाओ, पापा ये कर लो वो कर लो, मम्मी को बोल देते थे ये कर लो वो कर लो। सो आपके ऊपर जो बर्डन था ना वो इतना था, यहाँ पे आने के बाद मम्मी पापा हट गए, भाई बहन हट गए, तो बर्डन यहाँ हो गया। अब जैसे ये बर्डन होगा ना आपको आपके माँ बाप की शायद याद थोड़ी कम आएगी, बट दूसरी सारी चीज़ों की ज़्यादा याद आएगी जो वो करते थे आपके लिए, ठीक है। सो होम सिकनेस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मैं ये सारी चीज़ों को होम सिकनेस में कनेक्ट करता चला जा रहा हूँ। सो मेक श्योर गाइज कि जब भी यहाँ पे आते हो ये सारी फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है। आपको कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, कोई तरीके का कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, आपको सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना है, कोई आपको जानता नहीं है, कोई तरीके का आपको हेल्प नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको एवरीथिंग जीरो से शुरू करना है, ये मेंटालिटी के साथ यहाँ पे आओ। भले ही आप इंडिया में बहुत अच्छे एक लेवल पे बैठे हो या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ये फैक्टर्स आपको पता रहेंगे, आपको पता करने पड़ेंगे यहाँ पे आने से पहले, वरना मैं गारंटी दे सकता हूँ प्रॉब्लम में जाओगे, ठीक है। और ये प्रॉब्लम आपको नहीं, सबको होगी आपके फैमिली में अगर आप यहाँ पे आ गए तो। सो मेक श्योर आप लोग ये सारे फैक्टर्स को, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हो यहाँ पे आते हो, एंड मेंटली रेडी होके आते हो, बिकॉज जो नए लोग आते हैं ना उनको ऐसा लगता है यार ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा भी करना पड़ता है यार, हम लोग जॉब करके हमें खाना भी बनाना पड़ेगा, तुम आज एक दिन के लिए कर लो, ऐसा ऐसा चलते रहता है। और फिर क्या होता है ना, घर के अंदर ही क्लैशेज होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही घर के अंदर क्लैशेज होना शुरू होते हैं ना, तो फिर तो होम सिकनेस का लेवल अलग बढ़ जाता है,
ठीक है, एक तो वैसे भी समझ नहीं आ रही चीजें, ऊपर से घर में जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ भी समझ नहीं आ पा रहा है, वो कुछ सुन नहीं रहे, तो समझ रहे हो घर की और याद आने लग जाएगी, माँ बाप की और याद आने लग जाएगी, और टाइम जोन अलग है। सुबह में माँ बाप की याद आ रही तो ऐसा नहीं आप माँ बाप को कभी भी फोन लगा लोगे, इंडिया में 2 बज रहे, रात के 3 बज रहे, मम्मी पापा सो रहे, सो वो टाइम पे इस तरीके के फैक्टर्स ठीक है कोलैप्स करेंगे वो टाइम के अंदर। ये सारी चीजें हैं जो मेरे खुद के साथ हुई थी, मैंने लोगों के थ्रू सुना है, लोगों को ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो मैं डिटेल में जा रहा हूँ, बहुत अंदर की बारीकी की चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मेक श्योर करना आप अगर मेंटली रेडी हुए सारे फैक्टर्स को लाइक कंट्रोल करने में या कैसे भी करके आप लोग कंडीशंस में रह सकते हो, सो 2023 में आप आ सकते हो भाई, वरना यही फैक्टर्स की वजह से लोग 2023 में वापस जा रहे हैं, 2022 में भी बहुत सारे लोग वापस गए हैं, मेजर फैक्टर्स यही है और कोई फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा कोल्ड वेदर या हार्श क्लाइमेट कंडीशंस। देखो इंडिया के अंदर अपने क्लाइमेट ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री जाएगा या 0 डिग्री जाएगा, माइनस में तो मेरे तो मैं जहां रहता था वहां तो माइनस में कभी आज तक गया नहीं है, बहुत कम ही बार जाता होगा, बट यहां पे गाइस -40 -45 कुछ कुछ जगहों पे -50 तक चला जाता है। सस्केचवान, मैनिटोबा, अल्बर्टा, ये सब जगहों पे क्लाइमेट भयानक लेवल पे लो रहता है, ठीक है। आप सर्वाइव कर पाओगे? मैं तो फिर भी विंडसर में रहता हूँ, विंडसर के अंदर क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठीक है, इतना ज्यादा कम नहीं जाता है, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे मेरे को जैकेट, हुडी, ग्लव्स -20 का पहन के घूमना पड़ता है, फिर भी मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। तो सोच लो अगर आप लोग टोरंटो या अल्बर्टा या मिनिटोबा या सस्केचवान ये सब जगहों पे जा रहे हो तो क्या ही होगा, बिकॉज यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है लोगों को, मैं गया नहीं हूँ बट आई हैव सीन वीडियोज, मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंड्स रहते हैं, सो आइडिया है मुझे कि क्या हो रहा है वहां पे। सो मेक श्योर कि जब भी यहाँ पे आते हो क्लाइमेट कंडीशंस को ध्यान में रखें। शुरू में 1 साल आप लोग को प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो ये 3 महीने हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ख़राब रहते हैं अभी जो क्लाइमेट कंडीशंस है। अभी तो फिर भी इतनी ज़्यादा स्नो नहीं गिरी है लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो, बट अभी शुरू में फरवरी मार्च के अंदर स्नो अच्छी खासी गिरेगी, जिससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा जो नए नए हैं उनको बढ़ जाएंगे। एक तो डिप्रेशन का बहुत बड़ा सीन रहता है, बिकॉज क्या होता है ना विंटर्स के अंदर यहाँ पे धूप नहीं निकलती, क्लाउडी क्लाउडी टाइप वेदर रहता है, और इस तरीके का, तो ऐसे वेदर में क्या होता है ना कि इट गेट्स रियली डिफिकल्ट गाइस, ऐसे वेदर में आप लोग को यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी क्लाउडी वेदर है बाहर, ठीक है, धूप नहीं निकली हुई है, तो एक तो प्रॉब्लम है, ऊपर से इस तरीके का वेदर है जो लाइक एकदम लाइक थोड़ा धूप होगा ना तो इंसान को देख के ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार आई गो आउट, मैं कुछ ऐसे बैंग ऑन करूँ, बाहर जाके कुछ जॉब के लिए अप्लाई करूँ या कुछ तो करूँ मैं, बट ऐसे वेदर में तो बाहर जाने का मन भी नहीं करेगा आपका, दोस्त नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, जॉब नहीं है, मन नहीं कर रहा है, सब फैक्टर्स मिक्स होकर आपको होम सिकनेस सबकी याद आएगी, ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो भी टॉपिक्स बताया जा रहा हूँ ना ये सब कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन में आ रहे हैं, यही फैक्टर्स की वजह से लोग परेशान हैं और वापस जाने का सोचते हैं बैक होम। आई डोंट नो, मैंने जो भी वीडियोस देखे हैं वो पता नहीं वो लोग ये सारे फैक्टर्स को कवर करते हैं कि नहीं, बट मुझे लगा कि ये फैक्टर्स मेजर 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 रीजंस है जिनके वजह से लोग बैक होम जा रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान रखना हार्श कंडीशंस, हार्श क्लाइमेट, बहुत सारे लोग ये कंडीशंस में उनकी स्किन, उनका माइंड नहीं ऑपरेट कर पाता, ठीक है, उनको पता नहीं होता है, शायद मेरी वीडियो देख के उनको पता लगे कि ऐसी हालत हो जाती है तो वो ऐसा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे आना रिस्की है तो मैं ना हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज हर जगह पे गाइज क्लाइमेट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विंटर में रहता हूँ यहाँ पे सबसे कम ठंडी पड़ती है, और दूसरे कैनेडा में हर प्रोवेंस में चले जाओगे ना सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है, तो सोच ले आप यहां से आने पहले कि ऐसी ऐसी चीजें यहां पे होती है। जो फाइनल जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है वो फील्ड में जो फील्ड में वो लोग इंडिया में 9-10 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले कवर किया है बट मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं कि अगर कोई बंदे को इंडिया में 15-20 साल का एक फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो एक बहुत अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था उसका, उसके लाइक घर में नौकर चाकर काम करते थे, वो कुछ नहीं करता था, जाता था जॉब, कोट वोट पहन के जाता था जॉब पे, काम करता था, साइन वाइन करता था, सिग्नेचर करता था, काम काज करके वापस घर पे आता था, और वो सोच रहा है कि मैं कनाडा चला जाऊं, वहां पे प्रॉपर्टी डेवलप करूं और अपना एक्सपोजर और बढ़ाता चला जाऊं, तो भाई मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूं कि यहां पे आओगे तो अगर आप किसी के कंपनी के द्वारा आ रहे हो तो बात अलग है, खुद से आने का सोच रहे हो तो 2 बार सोच लेना, 3 बार सोच लेना कि यहां पे आप जो एक्सपोजर, जो लाइफस्टाइल इंडिया में था वो यहां पे नहीं मिलेगा, खाना जो तरीके का खाते थे, जो तरीके का खाने की सर्विस मिलती थी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। आई हैव गॉन टू $1 million हाउसेस, मैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मिलेनियर्स ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पे, मैं पूल कंपनी में काम करता था सबको पता है, तो मैं जो पूल्स होते हैं गाइस वो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते,
ठीक है, एक एक पूल $990,000, $1,00,000, $1,50,000 के पूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो बंदे ये पूल्स बनाते हैं वो बंदे ऑब्वियसली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे तभी पूल बनाते होंगे, छोटे मोटे लोग पूल का काम नहीं करते, ठीक है। सो जब मैं ऐसे लोगों के घर पे जाता था, आई यूज टू सी देम, ये जैसे तैसे लोग नहीं थे, बहुत अमीर लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, कैनेडा बेस्ड या अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे ये सारे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी मैं झाड़ू पोछा लगाते हुए देखता था, उनके घर के अंदर वो कचरा लगा रहे, खाना बना रहे, जैसे तैसे करके घर का काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ कर रही है, वो कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भाई नौकर चाकर रखने का भी बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है, समझ रहे हो आप लोग। तो सोचता है सामने वाला इंसान दो बार सोचेगा कि यार मैं फालतू का पैसा दे रहा हूँ इस जगह पे कि नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे लाइक कंपनीज बुला सकते हो आप लोग, बट कंपनीज के खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, बुला लेते हैं 3-4 महीने में एक बार कंपनी बुला लेते हो, घर के क्लीनिंग करके चली जाती है, बट वो डे टू डे बेसिस पर तो खुद ही करते हैं सारी चीज़ें। सो ध्यान रखना, अगर आप लोग ऐसे कोई पोजीशंस में यहाँ पे आ रहे हो, आप लोगों को कोई और फील्ड में भी काम करना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको इंडिया में जो चीज़ का एक्सपीरियंस है यहाँ पे वही मिल जाएगा आपको, बिकॉज मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि जो फैक्टर वो लोग यहाँ पे कंसिडरेशन में लेती है, यहाँ की कंपनीज, यहाँ की फैक्ट्रीज कंसिडरेशन में लेती है, वो है कि आपको कैनेडा में कितना एक्सपीरियंस है, ना कि इंडिया में आप लोगों ने क्या उखाड़ा हुआ है। इंडिया में शायद आप सीईओ एक कंपनी के या बहुत बड़ा कुछ आप लोगों ने एक्वायर कर लिया हो, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को स्क्रैच शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, छोटे मोटे कंपनीज में खुद से काम करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर आप लोग जो भी फैक्टर्स मैंने ये बुक में लिखे थे वो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, और अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं यार ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इतना मैं शायद ना कर पाऊँ, सो भाई दो बार सोच लेना। किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ वीडियो के द्वारा, ये मैं पिछले बहुत दिनों से देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर कि लगातार बंदे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, 2023 में लोग कनाडा छोड़ के भाग रहे हैं, 2022 में लोग कनाडा छोड़ के भाग रहे हैं, कनाडा किसी को आना नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब देख रहा हूँ मैं इंटरनेट के ऊपर, उसके बेसिस पे ऊपर मैंने टॉपिक्स लिखे हैं। एंड जितना मेरे को समझ आता है, जितना मैंने यहाँ पे 10 साल 15 साल से जो लोग रह रहे, जो नहीं खुश है, जो बोलते हैं यार कनाडा, यार मेरे को बहुत बंदे पूछते हैं जब मैं कोई जगह पे जाता हूँ कनाडा कैसा लगा तुझे, मैं तो बोलता हूँ बहुत सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोल रहे अभी तेरे को पता नहीं लगेगा, 4-5 साल बाद तेरे को पता लगेगा, ठीक है। सो मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ें सोच के आए जो रियलिस्टिक है, प्रॉब्लम्स है भाई, प्रॉब्लम्स है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आपको समझ भी नहीं आएगा, आज अच्छा खासा चल रहा है कल सब कुछ चला जाए, ऐसा भी है यहाँ पे। सो आपको रेडी रहना पड़ेगा मेंटली कि आई हैव टू बी इतना रेडी कि अगर सब चला जाए तो मैं फिर से जीरो से कुछ बिल्ड कर सकता हूँ, इस तरीके का मेंटालिटी है, इस तरीके का लेवल ऑफ एक्सपोजर, इस तरीके का हार्डवर्क करने के लिए आप रेडी हो तो यहाँ पे आओ, वरना भाई सोचो 2-3 बार सोचो, बैठ के अपने माँ बाप के साथ डिस्कशन करो, मेरी वीडियो आप देखे, मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एंड मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर ये चीज़, बिकॉज आई नो जो लोग आ रहे हैं वो लोग एक्सपेक्टेशन रख के आते हैं, और मैं जब ऐसा बोलता हूँ ना सब टूट जाता है, बट भाई बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं फालतू में ग्लैमर नहीं दिखाना चाहता हूँ, जो है वही दिखाना चाहता हूँ। सो कमेंट करके बताओ मुझे कैसा लगा आप लोगों को, मेक श्योर कि प्लीज़ वीडियो शेयर करो लोगों को, उनको बताए, एंड डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, इसको एक अच्छे वे में ले ताकि आप सिक्योर हो जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी आप अपनी रख ले, एंड देन आना चाहते हो तो आ सकते हो। सो यही था गाइज, यही बताना था मुझे आज के वीडियो में कैसा लगा, ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, वीडियोज़ लाइक करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों मुझे फॉलो नहीं किया मिस्टर पटेल 908 के ऊपर तो डू फॉलो मी। सो फिर हम लोग मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।